रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर किड्स, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ ओपन पेज नंबर 51। इट्स पेज नंबर 51, सिंड्रेला पार्ट 1। आप पेंसिल के साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के उर्दू मीनिंग बुक पे साथ साथ लिखते जाइएगा, ताकि बाद में जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो आपको पढ़ाने में कोई किसी किस्म की भी परेशानी महसूस ना हो। सिंड्रेला पार्ट 1। दिस, ये, इज मीन है, अनदर, एक और, ओल्ड, पुरानी, स्टोरी, कहानी। दिस इज अनदर ओल्ड स्टोरी, ये एक और पुरानी कहानी है। इट मीन, ये, इज, है, नॉट, नहीं, ट्रू, सच। इट इज़ नॉट ट्रू, ये सच्ची नहीं है, बट, लेकिन, पीपल, लोग, टेल, बताते हैं, इट, इसे, टू चिल्ड्रन, बच्चों को, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में। इट इज़ नॉट ट्रू बट पीपल टेल इट टू चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सच्ची नहीं है लेकिन लोग इसे दुनिया भर में बच्चों को सुनाते हैं। टेल का मतलब वैसे होता है बताना, लेकिन जब हम कहते हैं टेल द स्टोरी, इट मीन्स स्टोरी या कहानी सुनाना। टेल द स्टोरी, कहानी सुनाना। तो इसका तर्जमा कुछ यूँ होगा, इट इज़ नॉट ट्रू बट पीपल टेल इट टू चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सच्ची नहीं है लेकिन दुनिया भर में लोग इसे बच्चों को सुनाते हैं। सिंड्रेलास फादर, सिंड्रेला के अब्बूजान या वालिद, एंड मदर, और वालदा, वर बोथ डेड, दोनों मर गए थे या दोनों फोत हो गए थे। वर, थे, बोथ, दोनों, डेड, फोत। सिंड्रेलास फादर एंड मदर वर बोथ डेड, सिंड्रेला के अब्बू और अम्मी दोनों फोत हो चुके थे। शी, वो, लिव्ड, रहती थी विद, के साथ, हर, अपनी, आंट, खाला। शी लिव्ड विद हर आंट, वो अपनी खाला के साथ रहती थी। हर आंट, उसकी खाला, हैड, थी, टू, दो डॉटर्स, बेटियां। हर आंट हैड टू डॉटर्स, उसकी खाला की दो बेटियां थीं। दे, वो, वर, थी, बोथ, दोनों, फैट, मोटी, एंड अगली, और बदसूरत। दे वर बोथ फैट एंड अगली, वो दोनों बहुत मोटी और बदसूरत थी। दी आंट, खाला, एंड हर डॉटर्स, और उसकी बेटियां, हेटेड, नफरत करती थीं सिंड्रेला, सिंड्रेला से। दी आंट एंड हर डॉटर्स हेटेड सिंड्रेला, खाला और उसकी बेटियां सिंड्रेला से नफरत करती थीं। बिकॉज, क्योंकि, शी, वो, वास, थी, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। बिकॉज शी वास ब्यूटीफुल, क्योंकि वो खूबसूरत थी। दे, वो, मेड हर डू ऑल द वर्क, मेड हर, उससे करवाती थी, डू, मेड हर डू, उससे करवाती थी, ऑल द वर्क, तमाम काम, इन दी हाउस, घर में। दे मेड हर डू ऑल द वर्क इन दी हाउस, वो उससे घर का सारा काम करवाती थी, या वो उससे घर में सारा काम करवाती थी। शी, वो, वर्क, काम करती थी, वेरी हार्ड, बहुत मेहनत से, बट, लेकिन, दे ऑलवेज, वो हमेशा स्कोल्डेड, डांटती थी, हर, उसको, फॉर नॉट, ना करने पर, वर्किंग, काम, हर, हार्ड इनफ, इतना ज़्यादा। शी वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत से काम करती थी, बट, लेकिन, दे ऑलवेज स्कोल्डेड हर फॉर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, लेकिन वो उसे हमेशा ज़्यादा मेहनत से काम ना करने पर डांटती थी। यू, तुम, मस्ट, करना चाहिए, वर्क हार्डर, ज़्यादा मेहनत से काम। यू मस्ट वर्क हार्डर, तुम्हें ज़्यादा मेहनत से काम करना चाहिए। दे, वो, सेट, कहती थी एंग्रीली, गुस्से से। यू मस्ट वर्क हार्डर, दे सेट एंग्रीली, वो गुस्से से कहती थी तुम्हें और ज़्यादा मेहनत से काम करना चाहिए। यू, तुम, आर, हो, ए, एक लेज़ी, सुस्त, गर्ल, लड़की। यू आर ए लेज़ी गर्ल, तुम एक सुस्त लड़की हो। पुअर सिंड्रेला, बेचारी सिंड्रेला, स्टेड, रहती थी इन द किचन, बावर्ची खाने में, ऑल डे, तमाम दिन। कुकिंग, खाना पकाते हुए, वॉशिंग, धोते हुए, द डिशेज, बर्तनों को, वॉशिंग द डिशेज, बर्तनों को धोते हुए, एंड, और, लुकिंग आफ्टर द फायर, और आग का ख्याल रखते हुए, आग की देखभाल करते हुए। पुअर सिंड्रेला स्टेड इन द किचन ऑल डे, कुकिंग, वॉशिंग द डिशेज, एंड लुकिंग आफ्टर द फायर। बेचारी सिंड्रेला पूरा दिन किचन में खाना पकाते हुए, बर्तन धोते हुए, और आग का ख्याल रखते हुए सारा दिन किचन में रहती थी। एक दफ़ा फिर से इसका तर्जमा सुने, बेचारी सिंड्रेला सारा दिन
खाना पकाते हुए, बर्तन धोते हुए और आग की देखभाल करते हुए सारा दिन किचन में रहती थी। दी अगली सिस्टर बदसूरत बहनें सैड बैठती थी लेजीली, सुस्ती के साथ इन कंफर्टेबल चेयर, आरामदेह कुर्सियों पर ऑल डे सारा दिन ट्राइंग, कोशिश करते हुए टू मेक देमसेल्व्स, अपने आप को बनाएं लुक, दिखें लेस अगली, कम बदसूरत। दी अगली सिस्टर्स सेट लेजीली इन कम्फर्टेबल चेयर्स ऑल डे ट्राइंग टू मेक देमसेल्व्स लुक लेस अगली। बदसूरत बहनें सारा दिन सुस्ती से आरामदेह कुर्सियों पर बैठती और अपने आप को कम बदसूरत बनाने की या दिखने की कोशिश करती। फिर से सुने, बदसूरत बहनें सारा दिन सुस्ती से आरामदेह कुर्सियों पर बैठती और अपने आप को कम बदसूरत दिखने की दिखाने की कोशिश करती। वो पहनती थी फाइन उम्दा क्लोथ्स कपड़े, दे वोर फाइन क्लोथ्स, वो उम्दा कपड़े पहनती थी, बट लेकिन सिंड्रेला हैड पास था ओनली वन, सिर्फ एक डर्टी ड्रेस, गंदा लिबास। दे वोर फाइन क्लोथ्स बट सिंड्रेला हैड ओनली वन डर्टी ड्रेस, वो उम्दा कपड़े पहनती थी लेकिन सिंड्रेला के पास सिर्फ एक गंदा लिबास था। शी वोर, वो पहनती थी इट इसको ऑल द टाइम, हर वक्त, शी वोर इट ऑल द टाइम, वो उसे हर वक्त पहनती थी। शी वाज वेरी अनहैप्पी, वो बहुत नाखुश थी, शी वो वाज थी वेरी बहुत अनहैप्पी नाखुश, शी वाज वेरी अनहैप्पी, वो बहुत नाखुश थी। शी वो ऑफन अक्सर ड्रीम्ड ऑफ, ख्वाब देखा करती थी, हैप्पी डेज खुशी के दिनों के, विद हर मदर अपनी माँ के साथ, शी ऑफन ड्रीम्ड ऑफ हैप्पी डेज विद हर मदर, वो अक्सर अपनी माँ के साथ खुशी के दिनों के ख्वाब देखा करती थी। वन डे, एक दिन, ए मैसेज, एक पैगाम केम आया फ्रॉम द किंग, बादशाह की तरफ से। वन डे ए मैसेज केम फ्रॉम द किंग, एक दिन बादशाह की तरफ से एक पैगाम आया, हिज सन उसका बेटा, द प्रिंस शहजादा वाज था ओल्ड इनफ, इतना बड़ा टू मैरी कि उसकी शादी हो, हिज सन द प्रिंस वाज ओल्ड इनफ टू मैरी, हिज सन द प्रिंस वाज ओल्ड इनफ टू मैरी, उसका बेटा शहजादा शादी के काबिल हो गया था। द किंग वाज लुकिंग फॉर, द किंग बादशाह वाज था लुकिंग फॉर, तलाश कर रहा, द मोस्ट सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत गर्ल, लड़की, इन द लैंड जजीरे पर, इन द लैंड खित्ते पर या ज़मीन पर या उसके इलाके में, फॉर द प्रिंस बादशाह शहजादे के लिए, टू मैरी शादी करने के लिए। द किंग वॉज लुकिंग फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द लैंड फॉर द प्रिंस टू मैरी, बादशाह शहजादे से शादी करने के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन लड़की पूरे खित्ते में ढूंढ रहा था या तलाश कर रहा था। शी वुड बिकम अ प्रिंसेस, वो शहजादी बन जाती, शी वो वुड बिकम बन जाती ए प्रिंसेस, एक शहजादी, वो शहजादी बन जाती। द किंग बादशाह आस्क ऑल द लेडीज, आस्क बुलाया ऑल द लेडीज तमाम खवातीन को, इन द लैंड अपनी ज़मीन पर, टू कम के वो आए, टू अ ग्रेट डांस एक बड़ी डांस पार्टी में। द किंग आस्क ऑल द लेडीज इन द लैंड टू कम टू अ ग्रेट डांस, बादशाह ने अपनी ज़मीन पर मौजूद तमाम खवातीन को एक बहुत बड़े डांस के लिए बुलवाया। ऑन द नाइट ऑफ द डांस, ऑन द नाइट रात ऑफ द डांस, डांस की रात, द प्रिंस शहजादा वुड चूज, इंतखाब करेगा हिज वाइफ अपनी बीवी का। ऑन द नाइट ऑफ द डांस द प्रिंस वुड चूज हिज वाइफ, डांस वाली रात शहजादे ने अपनी बीवी का इंतखाब करना था, चूज इंतखाब करना था हिज वाइफ अपनी बीवी का। द टू अगली सिस्टर, दोनों बदसूरत बहनें वांटेड चाहती थीं टू गो, जाना। द टू अगली सिस्टर वांटेड टू गो, दोनों बदसूरत बहनें जाना चाहती थीं। दे वांटेड, वो चाहती थीं टू मैरी शादी करना द प्रिंस शहजादे से। दे वांटेड टू मैरी द प्रिंस, वो शहजादे से शादी करना चाहती थीं।
इस लेसन में हमने सिंड्रेला के बारे में पढ़ा कि एक ऐसी स्टोरी है जो सच्ची तो नहीं, लेकिन दुनिया भर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, नाना नानी दादा दादी हैं, वो बच्चों को इसे सुनाते हैं। सिंड्रेला एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो अपनी खाला के साथ रहती है। उस खाला की दो बेटियाँ हैं जो दोनों ही बहुत बदसूरत हैं और काहिल हैं। उसकी खाला और उसकी बेटियाँ उससे नफरत करती हैं सिंड्रेला से, क्योंकि सिंड्रेला खूबसूरत है। वो सारा दिन फारिग बैठी रहती हैं और अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए और या कम बदसूरत दिखने के लिए कोशिश करती हैं, जबकि सिंड्रेला के पास सिर्फ एक ही गंदा लिबास होता है। और सिंड्रेला सारा दिन किचन में काम करने में, कपड़े धोने, बर्तन धोने और घर की देखभाल में गुजारती है। एक दिन शहजादे की तरफ से पैगाम आता है कि तमाम उसके खत्ते में, उसके इलाके में मौजूद जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं, जितनी खूबसूरत ख़वातीन हैं, वो एक बहुत बड़ी डांस पार्टी में उनको दावत देता है ताकि शहजादा उनमें से सबसे खूबसूरत लड़की को अपनी शहजादी बनाए, उससे शादी करे। अब सिंड्रेला की जो खाला की दोनों बेटियाँ हैं वो बहुत ही बदसूरत हैं, दोनों चाहती हैं कि उनकी शादी शहजादे से हो जाए ताकि वो उससे शादी करके शहजादी बन जाएं। यहाँ तक हमने इस लेसन में आज पार्ट वन में सिंड्रेला की इतनी ही स्टोरी पढ़ी है, जिसका हमने आपको ट्रांजिशन बताई। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका सेकंड जो पार्ट है सिंड्रेला पार्ट टू, उसकी ट्रांजिशन और एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।